दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को महान ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड पहुंचते ही रविंद्र जडेजा ने दिया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की धरती पर पहुंचते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी से पहले रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी अपने होश उड़ जाएंगे और आपको कानों पर यकीन नहीं होगा। तो आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को धमकाते हुए कौन सा सनसनीखेज बयान जारी कर दिया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल कब बिगुल बच चुका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही दिनों के अंदर 7 जून से 11 जून के बीच खेला जाने वाला है, जहां पर टेस्ट की नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी, जहां पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज में हराया। लेकिन अब फाइनल में हराकर भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम करना चाहेगी। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला इंग्लैंड की धरती पर होने वाला है ओवल स्टेडियम में, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। इसी बीच भारतीय टीम भी इंग्लैंड पहुंच चुकी है। ऐसे में वहां पर पहुंचकर दोनों टीमों ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इस दौरान भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। पिछली बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हारी थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट जीतने के सूखे को खत्म करेगी। इस बीच रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड पहुंचते ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया, जिसमें रविंद्र जडेजा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भारतीय टीम के लिए सभी खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में, सभी का आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो अपने खराब फॉर्म से जूझ रहा हो। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा खराब फॉर्म से हैं, लेकिन उनका हमेशा से आईपीएल में खराब प्रदर्शन रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विकेट क्रिकेट में उन्होंने हमेशा से बेहतर प्रदर्शन किया और अब कप्तानी की जिम्मेदारी के कारण उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा बेहतर तरीके से उभर कर आया है, आने वाला है, जिससे बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम तैयार रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को हराने के साथ में आईसीसी ट्रॉफी जीतने के सूखे को समाप्त करेंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मैंने भी चेन्नई की टीम को अंतिम 2 गेंदों पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चैंपियन बनाया था, उसी तरीके से इस मुकाबले में मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। और जिस प्रकार से चेन्नई की टीम के लिए मैंने बेहतर प्रदर्शन किया था, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करूंगा और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मजबूती प्रदान करते दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा होता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि मेरे पास अपनी टीम के लिए एक आईसीसी ट्रॉफी जिताने का बेहतर मौका है, जिसको मैं गंवा नहीं सकता। ऐसे में मुझे अपने आप पर यकीन है कि मैं बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर हरा दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को जीत दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।